नमस्कार दोस्तों, आरडी टोन मेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लेके आया है यामाहा PSR E363 जो कीबोर्ड है, उस कीबोर्ड का कोरस टोन, हम लोग जो बोलते हैं शोर टोन, उस टोन को कैसे मॉडिफाई करते हैं दोस्तों, आइए हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा टोन एक बार सुन लेते हैं। बहुत अच्छा शोर टोन है। तो चलिए दोस्तों, इस टोन को कैसे मॉडिफाई करते हैं आइए हम सिखाते हैं। तो सबसे पहले इधर जो वॉइस बटन है, उस बटन को ऐसे एक बार प्रेस करना है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए 066 जो टोन नंबर है, वॉइस नंबर, शोर टोन, उस टोन को लाना है 066 वॉइस नंबर। उसके बाद फंक्शन बटन जो है, उस बटन को ऐसे एक बार प्रेस करना है दोस्तों। और इधर में कैटेगरी कोई स्विच नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इस बटन से आपको सारा एडिटिंग करना है दोस्तों। तो कैसे करते हैं चलिए एक बार देख लेते हैं। तो प्रेस करते रहिए ऐसे, और आपको आना है ट्रांसपोज पर। ट्रांसपोज से शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज है तो आ जाएगा अभी। स्टाइल, साउंड, वॉल्यूम, ऑक्स, USB, ये देखिए ट्रांसपोज लिखा गया। तो ट्रांसपोज 00, फिर फंक्शन बटन को प्रेस कर दीजिए। ट्यूनिंग 440 में रख दीजिए, फिर फंक्शन बटन प्रेस। स्प्लिट मैंने नहीं किया, छोड़ दीजिए। फिर आगे बढ़ता है, फंक्शन बटन प्रेस करके टच, मैंने सॉफ्ट रखा है, आप अपना हिसाब से रख सकते हैं प्लस माइनस करके। ये देखिए मीडियम है, हार्ड है, फिक्स्ड भी है। अगर फिक्स्ड पे आपको टच रखना है तो टच नॉर्मली कट जाएगा, कीबोर्ड नॉर्मली हो जाएगा, कोई टच नहीं रहेगा, एकदम टच कट जाएगा। तो हमको टच थोड़ा सा रखना है, इसीलिए हम सॉफ्ट रख दिया एक नंबर पे। आप अपना हिसाब से अब रख दीजिए। फिर आगे बढ़ता है, फंक्शन बटन प्रेस करके एम वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम 127। फिर फंक्शन बटन प्रेस एम ऑक्टेव 0। फिर फंक्शन बटन प्रेस एम कोरस 040। फिर फंक्शन बटन प्रेस डुअल वॉइस, डीप वॉइस आपको रखना है 067। वोकल जो है, वोकल इंच 067 डुअल वॉइस आपको रखना है। उसके बाद इधर देखिए डुअल बटन जो है, उस बटन को प्रेस करके आपको ऑन करना है, इधर में आ जाएगा, ध्यान में रख दीजिए। यहाँ पर डुअल बटन ऑन होना चाहिए। फिर आगे बढ़ता है, फंक्शन बटन प्रेस करके डी वॉल्यूम 070, प्लस माइनस करके आपको 070 रखना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं डी ऑक्टेव +1, प्लस माइनस करके आपको +1 पे लाना है। फिर फंक्शन बटन प्रेस डी कोरस 040। फिर फंक्शन बटन प्रेस आपको प्रेस करते करते आना है इधर में एकदम रिवर्ब पे, रिवर्ब हॉल 3 नंबर 03 नंबर आपको ऐसे प्लस माइनस करके लाना है 03 नंबर पे। उसके बाद फिर
फंक्शन बटन प्रेस, रिवर्ब लेवल 070 आपको रखना है प्लस माइनस करके, फिर फंक्शन बटन प्रेस कोरस, कोरस 3 रख दीजिए आप, कोरस 3 नंबर ऐसे घुमा के आपको कोरस 3 पे रखना है, फिर फंक्शन बटन प्रेस सस्टेन ऑफ, मास्टर इक्वलाइजर बूस्ट रख दीजिए 3 नंबर प्लस माइनस करके ऐसे घुमा के आपको बूस्ट ऑप्शन पे लाना है 3 नंबर। और इधर में और कुछ ऑप्शन नहीं है अंदर में, देखते हैं फिर भी नहीं, और कुछ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है जो इसमें लगा जाए। तो टोन एकदम रेडी हो गया, टोन एकदम रेडी है। तो चलिए दोस्तों इस टोन को कैसे, इधर में और कुछ ऑप्शन नहीं है छोड़ दीजिए, और कुछ नहीं है ठीक है। अभी टोन तो एकदम रेडी है, ये देखिए दोस्तों टोन एकदम रेडी हो गया। अभी इसको सेव कैसे करेंगे दोस्तों, तो सेव करने का तरीका मैं पहले जो वीडियो मैं अपलोड किया हुआ हूँ उस पर मैं बोल दिया था, दिखा भी दिया था, इसमें भी मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए दोस्तों इधर देखिए इस टोन को कैसे सेव करना है, इस कीबोर्ड पे या वहाँ E363 कीबोर्ड पर, ये देखिए रजिस्ट्रेशन मेमोरी बैंक लिखा हुआ एक बटन है, इस बटन को जब भी ऐसे एक बार प्रेस करेंगे इधर लोड नंबर आपको चाहेगा, लोड नंबर आपको मांगेगा, आपको कहाँ पे आपको सेव करना है। इधर देखिए इधर जो मेमोरी बैंक है 1 से 9 तक जो नंबर है, इस नंबर पे आप टोन सेव कर सकते हैं, 9 टोन आप इंस्टेंट सेव कर सकते हैं इस नंबर पे। ऐसा ही इस कीबोर्ड का सेटिंग है। तो जब भी ये रजिस्ट्रेशन मेमोरी बैंक एक बार दबाएंगे ऐसे पेश करेंगे तो लिखा आएगा लोड नंबर, कहाँ पे आपको सेव करना है। तो जैसे मान लीजिए हमको 8 नंबर में सेव करना है, तो मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, आप 9 में से किसी भी जगह पे भी आप सेव कर सकते हैं, वो अपना हिसाब से आप कर दीजिएगा। मेरा बाकी जो बैंक है वो कंप्लीट है, अभी 8 नंबर बैंक मेरा खाली है, वो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं ये खाली रखा हूँ, सिर्फ सेव करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कैसे सेव करते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। जैसे जब भी सेव करेंगे मेमोरी बैंक बटन को एक बार दबाने से लोड नंबर आएगा, तो फिर इस बटन को फिर ऐसे एक बार होल्ड करके रख दीजिए, इसको छोड़िए मत, और कहाँ पे आपको सेव करना है एक बार दबा दीजिए, आपको नंबर आ जाएगा ये 8 नंबर, श्योर है कि नहीं। अगर श्योर है 8 नंबर में आपको सेव करना ही है, तो फिर इधर देखिए प्लस लिखा हुआ, यस लिखा हुआ एक बटन है, एक बार दबा दीजिए ऐसे, ये देखिए राइटिंग यानी सेव हो गया। ये देखिए 08 नंबर पे आपका टोन जो शोर टोन है वो बिल्कुल सेव हो गया, ये देखिए। ऐसे आपको सेव करना है दोस्तों, ओके। तो इससे आगे मैं 5 मॉडल का सारा टोन मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मेरा ऑल वीडियो चेक कर लीजिए। आप लोगों का बहुत सारा कीबोर्ड का मॉडल 5 मॉडल का सारा टोन मिल जाएगा, वो भी फ्री में, एक पैसा भी नहीं लगेगा, एकदम फ्री में, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और आराम से आपको टोन बनवाना है। जैसे मेरा जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उस मॉडल मैं बोल रहा हूँ, यामाहा i500, यामाहा i400, यामाहा e463, यामाहा e473, यामाहा i455, 5 मॉडल का सारा टोन मैं मॉडिफाई करके आप लोगों के लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुका हूँ, वो भी बिना पैसा में, कोई पैसा नहीं लगेगा, एकदम फ्री में, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और आराम से सारा टोन आपको फ्री में मिल जाएगा मेरे चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।